तो देखिए भाई काफी हद तक अच्छा बॉडी वेट है और बॉडी स्ट्रक्चर तो भाई भरपूर कूट कूट के भरे चार दांत में, और नीचे शेडर पोजीशन की बात करा तो काफी हद तक मजेदार है। तो चार दांत होगी, चार दांत है भाई। अच्छा तो कितना की खरीद की भैया? सबसे मेन बात होती है अपनी जो हाइट लेंथ की, पीठ पुट्ठे की, और जो नीचे बात करें अगर जड़ की, तो काफी हद तक भाई लाजवाब सिलेक्शन भाई का है। गोले से खाली होगी भी? खाली होके 11 लीटर दूध है। काफी हद तक भाई आज अच्छी हाइट लेंथ का पशुधन, और अडर क्वालिटी तो बात करा, टीट स्पेस की बात करा, तो हर चीज में मतलब एक अच्छा सिलेक्शन लेकर के आए हो भाई आप। भाई ऊपर से जो काफी हद तक लेंथ की बात करा तो काफी हद तक अच्छी और लाजवाब भाई। और पहले ब्यात में कितना, दूसरा ब्यात पहले ब्यात में 14 लीटर दूध रखा भाई राहुल। पहले राम राम नमस्कार भाई सत श्री अकाल, मैं आपका अपना छोटा भाई राहुल सियाग तो फिर से स्वागत करूं हूं एक और अच्छी और शानदार नई वीडियो में भाई, क्योंकि लगातार देखो वीडियो कवर करते हैं भाई, उम्मीद यही रहती है कि अच्छा पशुधन आपके समक्ष वीडियो रखी जा, पर जो आज की वीडियो है, आज तक की जितने भी मैंने वीडियो कवर की है भाई, सबसे अलग हट करके, क्योंकि भाई आज जो एक युवा पशुपालक जो होते हैं भाई, और या व्यापार लाइन में लगा लो खुद ब्रीड पे काम करते हैं, उनकी वीडियो जब आप कवर करा भाई दिल भी खुश हुआ है। और आज तो ये लगा लो कि भाई मुर्रा के जो अपने शानदार नगिन्ने हैं, ऐसा सिलेक्शन भाई का हमेशा रहा है, और लगभग आपने दूसरे चैनल पर भी वीडियो लगातार देखी होगी, अपना चैनल पर भाई की पहली वीडियो है, और आशा करूं कि भाई आप प्यार भी दोगे क्योंकि क्वालिटी का सिलेक्शन भाई का हमेशा रहा है। तो राम राम भाई। राम राम भाई। और कैसे हाल है? ठीक है भाई। तो अपना एक बार नाम? नाम कुलदीप है भाई, गांव डोला, जिला जींद, हरियाणा। अच्छा, जींद से कितना किलोमीटर हो जाएगा? 22 किलोमीटर भाई। 22 किलोमीटर हो जाएगा। देख आपकी उम्र लगभग मेरे हिसाब से 24-25 होगी। हां 25 ही है भाई। तो क्वालिटी का शौक कहां तक लगा भाई? शुरू तक लग रहा है, शुरू थोड़ा और लागे करते फिर वही बात, अभी अपना बड़ा भाई रणदीप है। हां हां बिल्कुल, कदर हो जाएगा थोड़ा सीख के अभी। हां देखो भाई जी, बड़ों से सीखने के लिए हमेशा मिलता है भाई, जैसे कि अपने रणदीप भाई भाई क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। और आप तो शायद उनसे डबल करने की कोशिश कर रहे हो भाई, वही बात थोड़ा उनका सोचता हूं लेने की। हां देखो उनकी, आपकी और उनकी सोच में फर्क मिलेगा, क्योंकि आपकी और भी युवा सोच होगी भाई। हां नहीं, तो अच्छा भाई रणदीप भी बढ़िया क्वालिटी रहना, रणदीप भाई बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का, थोड़ा सीखना चाहिए बंदा, बिल्कुल सीखना भी चाहिए भाई। तो देखो मेरे हिसाब तक जैसे कि भाई रणदीप भाई अपने दौर में चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे उम्मीद करा। हां चलेंगे भैया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्वालिटी का सिलेक्शन उनका हमेशा रहा। पर आज के टाइम पे अगर दूसरे सिरे तक अगर हम बात देखा युवा के अंदर, तो लगभग भाई का सिलेक्शन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रणदीप भाई से कुछ ना कुछ ऊपर हट करके मतलब लगा भाई मन। बाकी तो आपने कमेंट और सजेस्ट करना है कि भाई कुलदीप भाई का जो सिलेक्शन है वो कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। तो कुलदीप भाई कितना पशुधन आज की अपनी वीडियो में? आज पशु दिखाऊंगा भी, वो 6 भैंस और, तो 6 भैंस दिखाओगे आज? रेट दिखाइयो भाई। हां रेट बताएंगे भाई 6 भैंसों का, क्योंकि पता है के बाद उस तक क्वालिटी का जो अंदाजा लग सके। तो कुल मिला के राहुल भाई सारे फोन आवे 10 किलो वाले कितने, 20 किलो वाले कितने, इन तो देखो भाई सारी बता दूंगा भाई, यही इतना दूध के इतने पैसे ले। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो भाई जायज रेट में वैसे लगभग उम्मीद है कि जो क्वालिटी मुर्रा किंग का नाम भाई रणदीप भाई ने मिला था, पर मेरा हिसाब से आज के बाद भाई जितने मेरे व्यूवर्स और जितने भी देखेंगे तो क्वालिटी का नाम भाई दूसरा जरूर याद रख रही हो, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया सिलेक्शन भाई का हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो लगातार वीडियो तो बने रही हो भाई, टॉप क्वालिटी का पशुधन आज आपके समक्ष रखा हुआ वीडियो में। लगभग देखो अपना सिलेक्शन जो है अच्छी क्वालिटी का रहा है, और देखो मैं तो उम्मीद भी करूँ अच्छा सिलेक्शन आप हमेशा लेकर के आते रहो। तो आज की वीडियो में जो यू अपना पशुधन है भाई, देखे भाई पहले मैं जानकारी दे दूं थोड़ी जितनी दे दो भाई को नॉलेज है, क्योंकि भाई लगातार वीडियो कवर करते हैं तो भाई सबसे मेन बात होती है अपनी जो हाइट लेंथ की, पीठ पुट्ठे की, और जो नीचे बात करें अगर जड़ की, तो काफी हद तक भाई लाजवाब सिलेक्शन भाई का है आज। और ये लगा लो कि ब्यूटी में भी कहीं तो मारनी है कुलदीप भाई? नहीं नहीं कहीं मारनी है भाई बिल्कुल। तो इधर लेकर के चले भाई इसको जरा एक बार। तो कुलदीप भाई के कुछ डिटेल है इसकी थोड़ी जानकारी? ये भाई कल भी आई थी राहुल। अच्छा कल? हाँ बच्चा दे, नीचे कटड़ी है इसका। अच्छा नीचे कटड़ी है। और दूसरे भी हाथ की जो टायर सुबह खीस से खाली हो रही है भाई। अच्छा सुबह गोले से खाली कर? हाँ खाली हो रही है भाई। तो कितने को उम्मीद मान करके ली थी भाई? उम्मीद माननी भी 16-17 लीटर दूध की। 16-17 लीटर? हाँ मैं बोल दूं 22 देगी 23 ना, मैंने तो देखो लगा भी था यू कि भाई इतना बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, जड़ बढ़िया है, गोला तो खाली हुई है। हाँ। कि भाई कम से कम रेट करेगा इसका, रेट कितना इसका भाई? 1,58,000 ही खरीदी है भाई। 1,58,000 ही भाई को दुलाई है। तो रेट भी मैंने मांगा था कि भाई कहीं 2.5 लाख रुपए? नहीं 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 इतना नहीं है भाई। और 24 किलो का आवाज लगा दे। हाँ हाँ लगा। देखो इस चीज में भी सच्चाई लगी भाई, और इसी नीत तक काम करता रहे कुलदीप भाई, भगवान हमेशा पल्ला पकड़े रहेगा भाई तेरा। तो काफी हद तक भाई जो कुलदीप भाई का सिलेक्शन था मजेदार, और मजा आ गया भाई आज की वीडियो में बिल्कुल, जो क्वालिटी के ऊपर काम देखने के लिए। राहुल भाई सारी भैंस ग्राहक ही रहे अपना पास में। अच्छा सारी भैंस ज्ञापन दिलाई थी?
अच्छा क्या पड़ी लाई थी? भी लाई भाई सारी। अच्छा अच्छा सारी लोड भी आने के बाद होंगी। तो ये देखिए भाई काफी हद तक है। अच्छा, पैसा लगा रहा बंदा, ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई दिक्कत आवे। बिल्कुल देखो पशुधन का पैसा लगा हुआ है ना, देखो भैंस तो मिल जाएंगे, ग्राहक बार बार नहीं आता। बिल्कुल इस चीज में तो भाई ग्राहक ग्राहक जरूरी है। भाई हमेशा कहते हैं कि भाई ग्राहक नहीं मिलना चाहिए भाई, हम हमारा नुकसान होगा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लगा 1.5 लाख में तो गाड़ी जाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से है ये भाई? तेलंगाना से। अच्छा तेलंगाना से। तो लगातार और भी दिखाओ भाई पशुधन, क्योंकि काफी हद तक अच्छा सिलेक्शन आपने खरीद करवाया। हाँ खरीद करवाया। बिल्कुल तो आपकी क्वालिटी पहचानी तभी ये भाई आपके पास आया। बिल्कुल भाई अगर क्वालिटी की परखा भी को नहीं होती ना कुलदीप भाई तो ये आप भरोसा ना करते। ना ना वही बात राहुल भी हो, आँख मिच का कोई बंदा हो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो कुलदीप भाई आ गया अपना एक और मुर्रा का नगीना। हाँ मुर्रा है, दूसरे भी हाथ के राहुल है भाई। अच्छा सेकंड लैक्टेशन खाली होने में 11 किलो लंबा लेकर के चले भाई उस साइड थोड़ा एक बार फीसते खाली होने में राहुल 11 किलो दूध है भाई। अच्छा सारी इधर ही बच्चा दिल भाई। हाँ सारी इधर भी आई भाई। तो गोले से खाली होगी भी? खाली होके 11 लीटर दूध है। अच्छा 11 लीटर मौके पे दूध तैयार। हाँ, दूसरे भी आंत में छोटे। ये देखिए भाई जो भाई का सिलेक्शन है काफी हद तक लाजवाब है और भाई मेरे को तो आज बहुत घना दिल खुश होगा क्योंकि काफी हद तक अच्छा सिलेक्शन भाई ने करके दिया आज अपने ग्राहक को, क्योंकि देखो ग्राहक का विश्वास जीत हो गया ना कुलदीप भाई तो ग्राहक और भी बनेंगे। नहीं नहीं भैया सौदा जीते भी हो, आज लगने बंदा नहीं कहने भाई कुलदीप और ले आए थे। इसकी कितनी उम्मीद है भाई आपके सिलेक्शन के हिसाब से? दे देगी ये राहुल 16-17 किलो दूध। 16-17 किलो दूध दे देगी आराम से। चलो भाई ऊपर देगी लेकिन कहने की बात आई। बिल्कुल बिल्कुल दे दे 18-19 भी। रेट क्या कुछ रहा भाई इसका? 1,35,000 की। 1,35,000 की। देखो कुलदीप अब इस बात में आपने पकड़ूंगा कि वीडियो बनवाने के चक्कर में रेट तो कम नहीं बताओ ना भाई, ग्राहक क्योंकि ऐसा सिलेक्शन भाई देख मेरी बात सुन रहा हूँ, बहुत बंदे यार कमीशन रख देंगे रख देंगे, भैंस के ऊपर आज रख देंगे भाई, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा जंगल में मंगल भाई, कोई नंदी कोई तेज एक भी कमीशन नहीं लिया भाई रहा। बिल्कुल चलो भाई देखो भाई ग्राहक के पास होकर के झूठ अपनी ईमानदार से लेंगे भाई। 2,000 अगला पशु तो लेकर के आए भाई, काफी हद तक देखो अच्छा सिलेक्शन दिलवाया भाई ने और एक सच्चाई कारनीत का काम करा भाई। वैसे तो भैया 2 लाख की रोटी बेच ले, 2 के नीचे 2.5 की बेच लो भाई, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक थोड़ी राहुल भी आने के बाद पशु थोड़ा हाल टूट जाए आने के बाद, एक बात तो टूटे कुलदीप भाई इस चीज में तो देखो कोई शक नहीं। तो कुलदीप भाई आ गया अपना मुर्रा का अगला नगीना, इसकी क्या कुछ जानकारी है भाई? ये भी दूसरे ब्यांत की भाई। अच्छा सेकंड लैक्टेशन में भी ये सुबह खाली कर दी थी खीस। अच्छा, अच्छा। अब खीस के बाद देखो कैसी बनी है, काफी हद तक लाजवाब है। तो कितना दूध निकालेगी खीस तक खाली होते आपके? है उम्मीद 10-11 किलो दूध की। 10-11 किलो दूध गोड़े से खाली खाली होते निकालेगी भाई। देखे कुलदीप वीडियो में सा कवर की है पर जो सच्चाई का और नीत का बात नहीं है वो आज मैंने भाई चम है भाई, बहुत सारी भैंस है। तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन आज आपने खरीद करके दिया भाई। ऑर्डर बहुत था भाई, ये अभी तो खाली हुई है। ये देखे भाई तो ये भी 1,35,000 के लिए भाई। 1,35,000 की। 35,000 की। चलो देखो ये तो अपना बाहर का कस्टमर था, ग्राहक था, कस्टमर था भाई। देखो भाग होता किसी किसी बंदे का, किसी किसी ये नहीं है कि हर किसी को मिलेगी भाई ऐसी ऐसी। बिल्कुल अगर मान लो इसकी बात करें हमें, अगर लोकल ग्राहक को अगर आप सेल मतलब दिलवाओ या अपना आम पशुपालक हरियाणा का दिलवाओ तो तब यो मार्जिन रहेगा भाई? क्वालिटी नहीं रहा भाई, मार्जिन तो ये रहेगा लेकिन रेट का अंतर हो जाए। देखो लिख तो कौन रखा है पशु की भाई इसका रेट इतना है इसका रेट इतना है, पर लगभग एक पुट्ठा बता दो कि भाई इस रेंज में इतना तक का पशुधन मिल जाए। लगभग 1.5 लाख के करीब भाई। 1.5 लाख के करीब ऐसे गाड़ी दिला 15 और 20 के आसपास किलो दूध में दे जाएं। चलो भाई देखो एक ये क्लियर भी करनी बहुत जरूरी हो जाए भाई कुलदीप बात। कोई बंदा 1.5 लाख का हिसाब से भैंस दे, 1.5 लाख का पुट्ठा का हिसाब से कोई मंदी भी आओ, इसमें 1.25 लाख की भी है, कोई 1.5 लाख की भी है, कोई 1.25 लाख की भी है, सारे आओगे। तो कुलदीप भाई अपना अगला सिलेक्शन कैसा? ये आगे भाई देखो छोटी, ये देखिए भाई जो कुलदीप भाई का जो अगला सिलेक्शन है ये 4 दांत अभी दूसरे ब्यांत की छोटी है। दूसरे ब्यांत में 4 दांत खाली होने 12 किलो दूध तैयार है। 12 किलो दूध तैयार है? तैयार है भाई। ये देखे भाई 3 दिन की ब्याई आज, 3 दिन की ब्याई है। एक थोड़ा टिकट है इसमें, 5वां थाना थोड़ा चलता नहीं कुछ भी। अच्छा 5वां थाना चलता कौन इसका? हाँ। तो कितना ही खरीद बताइए? 1,55,000 के लिए। 1,55,000 भी इसलिए तो बोला था भाई क्योंकि ये बात क्लियर हो जाएगी ना तो उससे आगे चल के वैसा ही विश्वास बनेगा। इधर लेकर के आए भाई तो कितना दूध अभी मौके पे 3 दिन? 12 किलो दूध तैयार है भाई। अच्छा 12 किलो दूध तैयार है, काफी हद तक भाई आज अच्छी हाइट लेंथ का पशुधन। और अगर क्वालिटी की बात करा, टिट स्पेस की बात करा तो हर चीज में मतलब है एक अच्छा सिलेक्शन लेकर के आए हो भाई आप, क्योंकि बहुत गणा सीख लिया भाई कम उम्र में कुलदीप। सीखना पड़ा भाई क्या है क्योंकि देखो आजकल 80-85-90 नहीं भाई ये तो बंद है भाई। 100 लाख से नीचे पशु लेंदे नहीं भाई। बिल्कुल। तो
वही बात है, फोन कॉल से ना भी करें क्योंकि 1.25 लाख भी ना करे भाई, भाई कोई बात नहीं। जिसने क्वालिटी की परख है और क्वालिटी पसंद करे है वही भाई के पास कॉल करे भाई, लगातार नंबर चलता रहेगा भाई का स्क्रीन पे। तो अगला पशुधन लेकर के आए भाई, तो कुलदीप भाई आ गया अपना अगला मुर्गा, ये भी चार दांत है भाई दूसरे का, ये भी चार दांत है। तो देखिए भाई काफी हद तक अच्छा बॉडी वेट है और बॉडी स्ट्रक्चर तो भाई भरपूर कूट कूट के भरे चार दांत में, और नीचे से हेडर पोजीशन की बात करें तो काफी हद तक मजेदार है। तो चार दांत होगी, चार दांत है भाई। अच्छा तो कितना की खरीद की भैया? 1.55 की, 1,55,000 रुपए की। मोल भाव तो जायज लगा मैंने बिल्कुल, जायज अभी सारा। कितना दूध तैयार है मुख्य? अभी 13 लीटर दूध तैयार है भाई। अच्छा 13 किलो दूध, 6 दिन की भी, 6 दिन की सुई होगी। हाँ, दूध देगी 16-17 किलो। अच्छा 16-17 किलो दे देगी, नॉर्मल देगी भाई। चलो भाई देखो कम ही बताइयो, 2 किलो ना, कम है भाई, फालतू देगी, जवाब भी देना है। तो ये देखे भाई जो कुलदीप भाई का सिलेक्शन है, कौन कह देगी भाई आप क्वालिटी किंग नहीं हो, मेरे हिसाब में तो क्वालिटी छाट छाट के लेनी महाभारत आज के टाइम पे भाई, वो तो जावे मिलता भी कौन भाई, घूमना पड़ा भी दिन रात, घूमना पड़े भाई बिल्कुल। तो काफी हद तक अच्छा सिलेक्शन था भाई का। तो लगभग नीचे मेल काफ है फीमेल काफ भाई? ज्यादा मेल है भाई, ज्यादा मेल काफ है। तो ये देखिए भाई हर चीज बारीकी तय मतलब पकड़ी है आपने, कि भाई चाहे चलन का तरीका हो या गर्दन उठाने का तरीका हो, लंबी गर्दन हो, हर चीज का सिलेक्शन लिया आपने। हर चीज है भाई पशु में देख लो, क्योंकि पता है क्या बात है, एक चीज पशु में कम हो जाओ भैया वो आई कीमत गिर जाएगी भाई, कीमत गिर जाएगी उसमें, पर आपने हर चीज की जड़ पकड़ी आज। तो ये देखिए भाई जो अगला पशुधन आ गया कुलदीप भाई, ये 6 दांत अभी दूसरे बिहार बच्चा देगी, 15 दिन भी आने का भी बाकी। अच्छा 15 दिन भाई बच्चा देने बाकी है, बाकी है भाई। तो देखिए भाई ऊपर से जो काफी हद तक लेंथ की बात करा तो काफी हद तक अच्छी और लाजवाब भाई। और पहले ब्यात में कितना, दूसरा ब्यात पहले ब्यात में 14 लीटर दूध दे रखा भाई राहुल, पहला ब्यात में 14 किलो दूध दे रखे, रोटी बहुत चांद सुबह हो गई है और भाई बहुत बढ़िया भाई, निखर निखर के लगा लो कि मूर्त है कूट कूट अभी के, तो बहुत टाइम लगेगी रोटी दर्शा रखी है इसके अंदर, क्योंकि दिखा है चीजें, क्योंकि ऐसा सिलेक्शन भाई कुलदीप देखो, या तो मैंने रणदीप भाई का देखा था या हाँ। फिर दूसरा आपका देखा है, तो इसका भी भाई बात करें तो कितना के कुछ रेट में? 1.55 की भाई, 1.55 की। चलो उम्मीद करा कि भाई आगे चल करके कुछ अपने रिकॉर्ड भी नाम करे, क्योंकि पशुधन की बारीकी तो बिल्कुल घट रखी है परसों, तो काफी हद तक भाई अच्छा लाजवाब पशुधन था। तो और भी है भाई? हाँ और भी भाई, 2 भैंस और। अच्छा 2 भैंस और, बहुत भैंस बिक्री की, एक बूरी जोटी है। अच्छा अच्छा एक अपने, चलो ठीक है। अब इस वीडियो में अपना जो भी गया पशुधन यही था भाई? हाँ यही था भाई, जो लोड हो रहे अपना। अच्छा अच्छा लोड, और एक बुल है वो अभी शाम को आएगा। अच्छा शाम को आएगा, वो कटड़ा दिखा रहा, 2 दांत बहुत अच्छा कटड़ा, वो भी भाई ने लिया है डायरी के लिए। अच्छा अच्छा 1,08,000 रुपए का। तो भाई लगभग जो आपने आज भाई का सिलेक्शन देखा कुलदीप का, भाई मैं तो हो गया फैन। अरे देखो तो आगे बुलाओगा कि ना बुलाओगा भाई वो तो पता नहीं, पर भाई की क्वालिटी का सिलेक्शन पे आप जो मान लो बहुत घना बढ़िया ना, ना बड़े क्योंकि देखो दीप है भाई, कभी आके देख लियो, ये नहीं कि भी आज का है, हर टाइम मिलेगा, हर टाइम मिलेगा। तो लगभग अपना हर राज्य में, हाँ हर राज्य में पशु जा लिया भाई, कहीं भी खरीदो कहीं का। आप एक बात क्लियर करोगे, मैंने इसने जितनी भाई ने बात बताई है और साथ में घूमे हो, कैसा लगा आपने? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, क्योंकि घूम के बिल्कुल। तो लगभग बात यार आ रहा है कुलदीप भाई कि भाई कस्टमर जो आवे हैं इनका नंबर जरूर दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन कैसा रहा इनसे संपर्क कर सका ना, ना सही बात है। तो इनका नंबर है, नंबर मोबाइल नंबर बता बता दे भाई, अपना बताओ भाई आपका मोबाइल नंबर 8484999135455। क्योंकि पता है जो दूसरा ग्राहक हो कस्टमर, कई बार राहुल भाई इनके पास हमारा रिस्पोंड नहीं आंदी, ये इनसे बात करके, हां इनसे बात करके भाई तो पेटा भी भर जाए उसमें फिर इस चीज का। तो भाई आज आपकी जो ये शिकायत थी वह भी दूर कर दी भाई, साथ के साथ कस्टमर का नंबर भी भाई आज आपके समक्ष रखा है। तो वीडियो और सिलेक्शन भाई का किसा लग गया कमेंट करके जरूर बताइए, ये ना देखियो कि भाई अदर स्टेट के लिए पशुधन दिखा है, चीज देखो मजा आओगा, अगर खरीदनी है और भी पशुधन भाई के पास अवेलेबल होगा। तो लगातार ऐसे ही प्यार प्रेम भाई कुलदीप भाई ने भी देते रहिए और मन ने भी देते रहिए। तो राम राम भाई सभी पशुपालक साथियों को, और सत श्री अकाल भाई जी।